ब्लड डोनेशन करने से क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल में रहता है। सबको ऐसा हो गया है कि ब्लड डोनेशन से उनको कमजोरी आती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको ये रक्तदान करना चाहिए और अपना डर या जो भी है वो निकालना चाहिए, और आपके एक रक्तदान से 3 लोगों की जीवनदान मिलता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पुराना ब्लड चला जाता है, नया ब्लड बनता है। ब्लड डोनेशन करना बहुत ही जरूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद, गुजरात के ड्राइविंग रोड पर स्थित एक सर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पर रेगुलर ब्लड डोनेशन करता हूँ। तो आज मैं ब्लड डोनेशन करने आया हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सोशल मैसेज देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मैडम से, जो कि आपको जानकारी देंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के। जो कई सारे ख्याल हमारे जीवन में चलते हैं, हम सोचते हैं, कई सारे लोगों का ये भी सोचना है कि ब्लड डोनेशन करने से लिए ब्लड पतला हो जाता है या फिर वजन बढ़ जाता है। कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि ब्लड डोनेशन रेगुलर करने से वजन कम भी होता है या बढ़ जाता है। तो वो सारी जो धारणा है, वो जो मिथ्या है, उससे मैं आज आपको अवगत करवाऊंगा कि भी क्या वो धारणाएं सही है या गलत है। तो ब्लड डोनेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा और गुड फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी, क्योंकि ये कार्य भी काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी रक्तदान, जो काम कहा गया ना, रक्तदान महादान, तो ब्लड डोनेशन मेरा मानना है कि जीवन में सबको करना चाहिए। दोस्तों, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं, वो भी ब्लड डोनेशन करते हैं नियमित। नियमित ब्लड डोनेशन करने से जो है काफ़ी सारा लाभ होता है शरीर के अंदर भी, और आपके एक नए खून का निर्माण होता है। दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड डोनेशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं तो आ चुका हूँ दोस्तों, आप भी अपने आसपास के जो ब्लड डोनेशन सेंटर है वहाँ पर जाकर के जो है ब्लड डोनेशन करके ये एक सेवा के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दे दोस्तों। और मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, सोशल मैसेज वीडियो के माध्यम से, जो कि सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी देर में मैं ब्लड डोनेट पूरा होने के बाद जो है डॉक्टर सर से आपको मिलूंगा, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों। आपने कभी जीवन में ब्लड डोनेशन किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा फील हुआ और आपकी क्या राय है ब्लड डोनेशन को लेकर के। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सो टू बी कंटिन्यू दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर लिया है। यहाँ पे कुछ और जो है आए हुए हैं सुरेंद्र नगर से भैया वगैरह, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन किया है, तो उनसे भी थोड़ा बात करूंगा कि ब्लड डोनेशन करने के क्या फायदे हैं, जीवन में ब्लड डोनेशन करना क्यों जरूरी है। जो है कहाँ से आ रहे हैं? हम सुरेंद्रनगर से आ रहे हैं। आज आपने पहली बार ब्लड डोनेशन किया है? इससे पहले कभी किया है? नहीं, पहले कभी किया है। क्या कहना चाहेंगे जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कि ब्लड डोनेशन करना कितना जरूरी है? ब्लड डोनेशन करना बहुत ही जरूरी है, ब्लड डोनेशन करना ही पड़ेगा। चार हफ्ते के 5 हफ्ते कुछ, एक साल में 2 बार तो करना ही देगा। एक साल में 2 बार से? हाँ, मिनिमम। ये सुरेंद्र नगर से भैया, क्या नाम है आपका? रविंद्र भाई है, जो कि इसके से सुरेंद्र नगर से आए हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आइए मैडम वगैरह जो उनसे भी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने के क्या लाभ है, क्या फायदे है। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसके गैर लाभ है, ब्लड डोनेशन करने से शरीर में कमजोरी आती है, क्या सही में ऐसे आती है मैडम? हेलो, आई एम हेतल त्रिवेदी, सर्वोदय ब्लड बैंक, सर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक थी बोलूँ छूँ। अमारे थेलेसेमियाना बाळको माटे ब्लड अमे प्रोवाइड करीए छीए, तो मारी बधाने एवी रिक्वेस्ट छे के बधा रेग्युलर 3 महीना थाय एटले ब्लड डोनेशन करे स्वेच्छाथी। वॉलेंटरी डोनेशन करवाथी तमने पण फायदो छे अने अमारे शू छे के पेशंटने काम आवे छे एटला माटे, अने रेग्युलर तमे करशो तो तमारी हेल्थ पण सारी रहेशे अने बीजू के बीजा जे पेशंटो छे एमने पण मददरूप थशे। और मैडम, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करते हैं तो उससे कमजोरी आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ब्लड डोनेशन करने से क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल में रहता है और क्या है कि आपका न्यू ब्लड आता है, जो आपका पुराना ब्लड है वो आप डोनेट करते हैं तो फिर आपका नया ब्लड बनता है, नया ब्लड बन जाता है। हाँ, और कमजोरी वो सब कुछ नहीं है, ऐसी क्या है कि सबको ऐसा हो गया है कि ब्लड डोनेशन से उनको कमजोरी आती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जानना चाहूंगा कि आपने भी कभी ब्लड डोनेशन किया है? हाँ, मैंने किया था। अच्छा, और मुझे पहली बार जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये ब्लड है ये छोटे छोटे बच्चों को या दूसरे पेशेंट को काम आएगा मेरा ब्लड, तो उससे मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी काफी अच्छा लगता है? मुझे भी, हाँ, डोनेट करने के बाद भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगेगा आपको, और फिर आप 3 महीने रेगुलर डोनेट करेंगे। हर 3 महीने में अंदर से जुनून अंदर से ही आपको जुनून आएगा कि मैं 3 महीने के बाद रेगुलर डोनेट करूँ। ऐसा मेरी भी इस जगह से स्टोरी जुड़ी है दोस्तों। मैं राजू भाई, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ आया था राजू भाई बाड़मेर से, तो काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की, तो उनके साथ आया था। तब मैं ब्लड डोनेशन नहीं करता, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया उसके बाद मुझसे रहा नहीं जाता। 3-4 महीने होते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, सेलिब्रिटी जो लोग हैं सलमान खान, अमिताभ बच्चन वगैरह, तो भी ब्लड डोनेशन करते हैं, तो मैं, मेरे फेवरेट है सेलिब्रिटीज वगैरह, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। उम्मीद है कि वीडियो देख के आप भी आएंगे, ब्लड डोनेशन कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। आइए कुछ और डॉक्टर मैडम वगैरह, उनसे भी मिलाता हूँ, आपको वो क्या कहना चाहते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। थैंक यू मैडम, आपने इतना अच्छा बताया जानकारी, उम्मीद है कि आपका भी ये मैसेज देख करके काफी सारे लोग जागरूक होंगे। थैंक यू जितेंद्र भाई। मैडम, ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जहां हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कोई देगा तो ही हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरे पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें। और एक तो फायदे बताइए ब्लड डोनेशन, कई सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन करने के बाद वजन बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक वो मेंटालिटी है, तो वजन बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पुराना ब्लड चला जाता है, नया ब्लड बनता है बॉडी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ब्लड डोनेशन कर दिया, यहाँ पे मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके जो सर है डॉक्टर परेश व्यास जी यहाँ पे बैठे हैं। सर जय श्री कृष्ण आपको सब। जय श्री कृष्ण। तो सर है डॉक्टर साहब जो है ये आपको एक मैसेज देंगे कि अभी ब्लड डोनेशन करना जीवन में क्यों जरूरी है और ब्लड डोनेशन के क्या लाभ है। और कई सारे लोग नेगेटिव पक्ष में भी लेते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से ये होता है वो होता है, तो सारी यार थोड़ा सा नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो जितेंद्र भाई आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ये एक अच्छा काम कर रहे हो सबके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आप सब लोग जानते ही है कि रक्तदान जीते जी सबसे महादान है, और रक्तदान एक बार करने से आपको आपका जो भी डर है या जो भी सवाल है वो सब निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए मान लो कि किसी ने 25 बार दिया है लेकिन उसने भी कभी एक बार तो शुरुआत की है तब वो 25 बार कर चुका है, तो जिन्होंने भी ब्लड डोनेशन अभी तक नहीं किया हो और 18 साल के ऊपर उम्र है और बाकी सब क्राइटेरिया में आप फिट होते हो, तो सबको ये रक्तदान करना चाहिए और अपना डर या जो भी है वो निकालना चाहिए। और आपके एक रक्तदान से 3 लोगों की जीवनदान मिलता है। आपके खून से रक्त कण निकलते हैं, श्वेत कण निकलते हैं, प्लाज्मा निकलता है, प्लेटलेट्स निकलते हैं, तो वो हर एक कॉम्पोनेंट अलग अलग पेशेंट को लगते हैं और उनके काम में आता है। और कई बीमारियां है जैसे थैलेसेमिया है, छोटे छोटे बच्चों है, उनको पूरी जिंदगी भर खून देना पड़ता है, तो हमारी ब्लड बैंक ने थैलेसेमिया के करीब 200 बच्चों को एडॉप्ट किया है और हर महीने उनको फ्री ऑफ चार्ज ब्लड यहाँ से हम देते हैं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हो, और तो हम ये इस तरह के पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हम सर्विस दे सकें। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स, कैंसर की बीमारी, कीमोथेरेपी जो लगती है, प्रेगनेंसी डिलीवरी के केसेस, वो सब में भी ब्लड की ज़रूरत अनगिनत रहती है और
डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो वो गैप को पूरा करने के लिए, एक ब्रिज बनने के लिए आप सबको मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आप सबको ये रक्तदान में भाग लेने की एक अपील करता हूं। नमस्कार। और सर, कई सारे लोग सोचते हैं कि खून पतला भी हो जाता है कि ब्लड डोनेशन करें, उनको क्या? नहीं, वो ये काफी कई लोग को गलत फहमी है कि पतला हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद मेरा वजन बढ़ गया, तो ये एक जस्ट कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई साइंटिफिक लॉजिकल रीजन नहीं है। बाकी खून आप एक जो ब्लड आपका लिया जाता है वो ब्लड भी आपका साइंटिफिक एक एविडेंस के बेस पे लिया जाता है। 7 to 8 ml पर kg आपका जो है उसका उस हिसाब से ही ब्लड लिया जाता है, उससे ज़्यादा लिया नहीं जाता है। और ताकि अपने बॉडी के अंदर होता है 70 to 80 ml पर kg बॉडी वेट अपना ब्लड होता है, उसमें से ये एक छोटी सी मात्रा का ही ब्लड लिया जाता है। उससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है और कंटिन्यूस ब्लड शरीर में नया खून बनता ही जाता है। आप डोनेट करें या ना करें, खून बनता ही जाता है और कंटिन्यूस नाश भी पामता है, अपने बॉडी के अंदर खून नाश भी होता है। तो ये नाश होता है ऑटो, और तो उसके बदले ये किसी के काम आ जाए, तो ये आपको ये ब्लड डोनेशन बिल्कुल डर बिना आपको करना चाहिए। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही पूरा करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो में आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। और अभी लास्ट में डॉक्टर साहब ने जो है डॉक्टर परेश व्यास जी ने बहुत ही अच्छा एक सोशल मैसेज दिया है। डॉक्टर साहब, आपका दिल से शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक पॉजिटिव वे में जाएगा, सभी लोग इससे जागृत होंगे और सभी लोग जो है जागृत होकर ब्लड डोनेशन की तरफ अग्रसर होंगे। और दोस्तों, डॉक्टर साहब ने मेरे को एक और जानकारी दी कि अभी आपके पास कोई ग्रुप है, युवा वर्ग है, तो आपके ऑफिस में वगैरह जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो एक ग्रुप को बढ़ा के आप ग्रुप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही पूरा करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।